गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज हमारा काम है इस खेत में, यहाँ पर जो बगीचे में गेहूँ है ना वो ओलना है हमें। तो ये कांदा तो सुबह सुबह ओल लिया था, पूरा हो गया कांदा, ये देखो। तो अब जा रहे गेहूँ का पानी लगा दिया है, वैसे वही पानी देखने जा रहे। तो बने रहेगा इस व्लॉग में, मज़ा आएगा दिन भर खेत में। वैसे आज दिन तो नहीं जाएगा, पानी जल्दी टूट जाएगा, तो देखते हैं। अगर घर जाते हैं तो फिर जाएंगे बाहर, रील्स वगैरह शूट करेंगे। तो बने रहेगा इस व्लॉग में, मज़ा आएगा। तो पानी तो लास्ट में पहुंच गया है, ये देखो। तो पाइप पलटा लेते, और पाइप पलटाने के बाद फिर तो बैठना ही है यहाँ पर, क्योंकि पाइप का ही सिस्टम है। और पाइप पलटाने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है पानी टेकने का। तो चलो पलटा लेते पाइप। दोस्तों अभी तो बैठ गए यहाँ पर, राह देख रहे पानी आने की। ये वो दांड है, यहाँ से आएगा पानी। तो बैठते हैं मस्त सावली में, और स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लाई है हमने, तो करते हैं शॉर्ट वीडियो की कुछ स्क्रिप्ट। तब तक पानी आ जाएगा, फिर पलटा लेंगे दांड। दोस्तों अब ये मतलब चालू है दांड, और सिर्फ ये रह गया है। फिर यहाँ पे गैप है, और फिर वहाँ पे दो दांड होने के बाद ऐसा मतलब देख लो कि दो दांड होने के बाद वो आधा लगभग हो जाएगा ओलना, पूरा पूरे खेत का आधा खेत हो जाएगा ओलना। फिर उभा उभा जाना पड़ेगा पानी, मतलब उभा लेकर जाना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जो हमारा धुरा रहता है ना वहाँ पर जाएगा। फिर धुरे से ऊपर आना पड़ेगा बोलते बोलते। तो अभी ये दांड कंप्लीट होने के बाद हम लगा देंगे वहाँ पर पानी। चलो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर डायरेक्ट पाइप काट दिया और ऐसे पानी जा रहा है। तो अभी पहुँच जाएगा ये, तो अब हमें ये पाइप पाइप से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो कि 30-35% लगभग हो गया। अब पाइप से दो दांड जाएंगे, और वे दो दांड कंप्लीट होने के बाद 25% ख़त्म काम आता है, फिर उभा उभा पानी जाएगा। तो लगा दिया अभी पाइप यहाँ पर, और नहीं के पाइप से पानी। दोस्तों अब लगा दिया यहाँ पर पानी आठवें में, ये देखो दो दांड जा रहे। तो अभी ये अगर कंप्लीट हो गया तो लगभग 25% हो गया, और फिर उधर गए रह गया। तो भाई जल्दी जल्दी हो रहा है, एक है तो अच्छा लग रहा है। तो करते फटाफट कंप्लीट, मिलते बाद में। दोस्तों देखो यहाँ पर लगा दिया पानी, अब ऐसे एक एक दांड लेकर जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ से उतना ही रह गया सिर्फ, मतलब अब आधे से बहुत कम रह गया। इतना बड़ा बड़ बोल ले दे ख़त्म। फिर चलो भाई ये देखो लास्ट के दांड में लगा दिया है पानी। अब ये धुरे से वहाँ तक ओलना जाना पड़ेगा आधा। तो यहाँ तक आया है पानी, ये देखो थोड़ा सा बाकी, अब पहुँचने वाला है। और हमने यहाँ पर मस्त सावली में जगह बनाई है, यहाँ पर बैठते हैं मस्त इंतज़ार करते पानी का। तो अब वेट करते थोड़े सा 5-10 मिनट, फिर ये दांड ख़त्म हो जाएगा, फिर नया दांड लगाएंगे ये वाला। तो अभी शायद आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पानी चलेगा, फिर तो टूट ही जाएगी, मतलब पानी टूट जाएगा, बंद करनी पड़ेगी मोटर, क्योंकि अभी से धार कम हो गई है। तो बस एक दो दांड फिर चले जाएंगे यहाँ से, पानी ओलना ख़त्म, फिर जाएंगे गाय को वगैरह चारा डालेंगे, फिर निकलते घर के लिए, रील्स वगैरह शूट करेंगे। दोस्तों अब लास्ट तक मतलब पहुँचने ही वाला है पानी, थोड़ा सा ही रह गया है। तो अभी फोड़ना पड़ेगा हमें ये वाला दांड फोड़ के, फिर तो 5-6 दांड ही रह गए होंगे, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है देखो। तो देखते हैं पहले कुएं में जाकर देखते हैं, अगर पानी मतलब बहुत कम होगा तो बंद कर देंगे मोटर, क्योंकि मोटर पेटनी नहीं चाहिए यार। तो फोड़ते ये दांड, चलते फिर। दोस्तों अभी मोटर तो बंद कर दिए, और यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया हमने। तो अभी गाय को वगैरह कुटार डालते और जाते दूसरे खेत में, वहाँ पर पापा ने तूर कापिए तो वो बंडी में भरेंगे। तो चलो जाते। दोस्तों ये ऐसे मेंढे, और ये वहाँ पर उस बंडी में लेकर जाना पड़ता है, यहाँ से उछल कर वहाँ पर। तो चलो भरती है पूरी बंडी। तो दोस्तों बंडी तो पूरी भर ली है हमने, अभी पूरी बंडी लगभग भर के होगी। तो दोस्तों अभी बैठे थे इंतज़ार करते, तो कोई दोस्त लोग तो फोन नहीं उठा रहा, शायद वो खेलने के लिए गए होंगे। तो चलो जाकर देखते वर्ची शायद पर, कोई सुक्ति मिलते तो खेलते, और अगर टाइम मिला तो बना लेंगे रील, नहीं तो देखते खेल लेंगे आप वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आए थे मैच खेलने के लिए, ये देखो मैच चल रही है यहाँ पर। तो इंतज़ार करते फिर खेलते दूसरे मैच में। सफरनामा।
सवालों का सफरनामा। तो फिलहाल तो बैठे यहाँ पर, हमारी बैटिंग आने में टाइम है अभी, वो उनकी चल रहे, तो इंतजार करते हैं अपनी बैटिंग का। खुदा तुझको पता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है, जो तूने अपनी मंजिल का पता। शाम मलंग सी, रात तो अभी मैच तो खत्म हो गई, अब निकलते घर के लिए। और आपको एक बात दिखा दो, यहाँ पे कुटे के लिए भाई बिश्नूर में पतंग, भाई बिश्नूर में पतंग, ये तो बहुत अचंभित करने वाली बात है। दोस्तों अभी तो चुके रात, फिलहाल इस व्लॉग को ही एंड कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।